दोस्तों ये कहानी है हिम्मत की, हौसले की, डटकर मुसीबतों का सामना करने की, जो हमें सिखा जाती है कि जिंदगी में परिस्थितियां कैसी भी हो हमें हार नहीं माननी चाहिए और मुसीबतों से लड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। ये कहानी है 20 साल पहले की, जहां लोग पत्थरों से हथियार बनाया करते थे और शिकार कर अपना गुजारा किया करते थे। अब हमें कुछ हंटर्स को दिखाया जाता है जो की जंगली भैंसों का शिकार करने के लिए आए होते है, क्योंकि विंटर का मौसम आने वाला था और उन्हें खाना इकट्ठा करना था। अब हम उनके मुखिया ताऊ को देखते हैं, जो अपने लोगों से शिकार पर हमला करने के लिए कहता है। अब अपने ऊपर हमला होता हुआ देख वो वैसे भी इनके ऊपर हमला कर देती है और फिर उन जानवरों को अपनी ओर आता देख वो सभी अपने भाले उनकी ओर फेंकते हैं, जिस वजह से वो सभी भैंसे अपनी दिशा बदल लेती है और एक एक करके खाई में गिरने लगते है। अब ये देख उन भैंसों का मुखिया इन हंटर्स के ऊपर हमला कर देता है और वो ताऊ के बेटे केड़ा के पीछे पड़ जाता है और उसे अपने सिंह में फंसा कर खाई की ओर जाने लगता है। अब ये देख ताऊ एक भाला लेकर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो केड़ा को खाई में फेंक देता है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर ताऊ अपने युवाओं को शिकार कैसे किया जाता है इसके बारे में बता रहा होता है, जिसके बाद उन्हें पत्थरों से औजार बनाने के लिए कहा जाता है, जिनमें दो लड़कों को सिलेक्ट किया जाता है, जिनमें से एक ताऊ का बेटा केड़ा भी होता है। अब उनकी सहन शक्ति का इम्तिहान होता है, जिनमें उन्हें खूब पीटा जाता है, जिसके बाद वो दोनों पास हो जाते हैं और ताऊ को अपने बेटे पर काफी फख्र होता है। अब अगले दिन वो अपने माँ से मिलकर शिकार पर चले जाते हैं और थोड़ी देर आगे जाने के बाद उन्हें एक और कबीले की टोली मिलती है जो कि ताऊ के दोस्त होते हैं। अब वो सभी एक साथ शिकार पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो सफर के दौरान एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं और ताऊ अपने बेटे की हिम्मत को परखने के लिए उससे उस सुअर को मारने के लिए कहता है, लेकिन केड़ा उसकी आंखों में देखकर उसे मार नहीं पाता, जिस वजह से ताऊ अपने बेटे पर भड़क जाता है और उसे कहता है कि बेटा आखिर में वही जिंदा रहता है जो ताकतवर होता है, और इतना कहकर वो उस सुअर को मार देता है। अब रात में वो सब अपना खाना खा रहे होते हैं कि तभी एक शेर आकर उनमें से एक लड़के को उठाकर लेकर जाता है और उसे मार देता है, जिस वजह से केड़ा और बाकी के सब काफी घबरा जाते हैं और फिर अगली सुबह वो उस लड़के को श्रद्धांजलि देकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमने मूवी का फर्स्ट सीन देखा था, जहाँ पर केड़ा हमें खाई में गिरता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से ताऊ और बाकी के सब घबराते हुए उस चट्टान की ओर भागने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें केड़ा एक चट्टान से लटका दिखाई देता है। ताऊ अपने बेटे से हिम्मत न हारने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो चट्टान टूट जाती है, जिस वजह से केड़ा चट्टान के आधे रास्ते पर गिरकर रुक जाता है। अब ये देखता हुआ अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी के लोग उसे नीचे जाने नहीं देते क्योंकि वो चट्टान एकदम सीधी थी। और तभी उनका एक आदमी ताऊ से कहता है कि तुम हमारे मुखिया हो और हमें घर पर सुरक्षित ले जाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है, और फिर ताऊ अपनी जिम्मेदारी और हालात से बेबस होकर अपने बेटे को इस उम्मीद में आवाज लगाने लगता है कि केड़ा भी उसे आवाज लगाएगा, लेकिन नीचे से केड़ा का उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और फिर अगली सुबह वो अपने बेटे को मरा हुआ समझकर उसे श्रद्धांजलि देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम केड़ा को देखते हैं जिसे एक पक्षी नोचने लगता है, लेकिन तभी केड़ा की आंख खुल जाती है और वो उसे नीचे फेंक देता है और घबराया हुआ केड़ा अपने पिता को आवाज लगाने लगता है, लेकिन अब आखिर में कोई भी रास्ता न होने की वजह से वो उस चट्टान से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन चट्टान सीधी होने की वजह से वो नीचे नहीं उतर पाता और वो वहीं पर ही लटक जाता है। वो वहाँ पर काफी देर तक ऐसा ही लटका होता है और फिर वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो खाई पानी से भर जाती है। तो केड़ा उस खाई में छलांग लगा देता है और बहता हुआ दूर चला जाता है। और फिर अगली सुबह केड़ा का होश आने पर वो बारिश का गंदा पानी पीता है और अपनी टांग की टूटी हुई हड्डी को सही कर उसके ऊपर पट्टी बांध देता है। और फिर केड़ा लंगड़ाता हुआ उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी स्मारक देखकर काफी गुस्सा होता है और फिर उन पत्थरों को खाई में फेंकते हुए वो जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज दूर खड़े भेड़िए सुन लेते हैं और उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। तो फिर केड़ा उन भेड़ियों से बचने के लिए उस पेड़ पर अपनी एक रात गुजार देता है। अब अगली सुबह जब केड़ा पानी भरने के लिए जाता है तो वो भेड़िए उसके ऊपर फिर से हमला कर देते हैं। तो केड़ा भागते हुए फिर से उसी पेड़ पर चढ़ने लगता है, तो तभी एक भेड़िया उसकी टांग को पकड़ लेता है। तो केड़ा खुद को बचाने के लिए अपने पास के एक हथियार से उसके ऊपर वार करता है, जिस वजह से वो भेड़िया घायल हो जाता है और केड़ा पेड़ पर चढ़ जाता है। अब वो सभी भेड़िया केड़ा का नीचे आने का काफी देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन अगली सुबह वो अपने घायल साथी को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो घायल भेड़िया दर्द से कर्रा रहा होता है, तो केड़ा उसे दर्द से मुक्त करने के लिए उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है, जिस वजह से केड़ा उसे मार नहीं पाता। तो केड़ा अपने भाले की रस्सी खोलकर उसके मुंह को बांध देता है और उसे अपने साथ लेकर चल देता है। अब काफी देर तक चलने के बाद वो दोनों एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वो दोनों अपनी रात गुजारते हैं। और अगली सुबह केड़ा अपने घाव पर जड़ी बूटियां लगाता है और पानी पीने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान सामने बैठे भेड़िए पर जाता है,
है जो अपने मुंह की रस्सियां खोलने लगता है, जिससे केड़ा समझ जाता है कि उसे भी प्यास लगी है, तो केड़ा डरते हुए उसे भी पानी देता है और इसी तरह इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है और बाद में वो उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां भी लगाता है। अब केड़ा को भूख लगने की वजह से वो एक खरगोश का शिकार करता है और उसे खाने लगता है और फिर केड़ा को खाता हुआ देख वो भेड़िया भी ललचा जाता है, लेकिन उस भेड़िए पर अपना प्रभाव डालने के लिए वो खुद पहला निवाला खाता है, जिसके बाद वो उसे भी खाने के लिए देता है। अब अगली सुबह केड़ा एक नई उम्मीद के साथ घर के लिए रवाना होता है, जहाँ पर वो उस भेड़िए को इशारों में कहता है कि वो उसके घर के लिए चला जाए, लेकिन जब केड़ा वहाँ से जाने लगता है तो वो भेड़िया भी उसका पीछा कर रहा होता है। केड़ा उसे उसके पीछे आने से मना करता है, लेकिन वो उसका पीछा करना नहीं छोड़ता और वो उसको ही फॉलो करता रहता है। वो एक लकड़ी को लेकर उसके साथ खेलने भी लगता है और फिर केड़ा भी उसे अपने साथ आने देता है। अब थोड़ी देर आगे जाने के बाद उन्हें एक जंगली सुअर का बच्चा दिखाई देता है, तो वो भेड़िया अपनी रणनीति से उसे केड़ा के पास लेकर आता है, लेकिन केड़ा उसे मार नहीं पाता, जिस वजह से उन्हें रात में भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर अगली सुबह वो भेड़िया उसे शिकार करना सिखाता है, जिसके बाद उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वो भेड़िया उसे एक मछली पकड़कर देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। अब वो दोनों फिर से अपने सफर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर केड़ा उस भेड़िए को अल्फा का नाम देता है और फिर विंटर का मौसम भी आ जाता है, जहाँ पर केड़ा अब काफी बहादुर हो चुका है। वो दोनों मिलकर एक सुअर का शिकार करते हैं, जिसे वो रात में खाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक भेड़िया आ जाता है, जिसे खतरा समझकर केड़ा हथियार उठा लेता है, लेकिन हमें बाद में समझ आता है कि वो भेड़िया अल्फा का ही साथी होता है जो उसे लेने के लिए आया होता है। अल्फा केड़ा की तरफ ऐसा देखता है कि जैसे वो जाने की परमिशन मांग रहा हो, तो केड़ा भी उसे अपने परिवार में जाने के लिए कह देता है और अल्फा वहाँ से चला जाता है। और फिर केड़ा भी बर्फीली तूफानों से अगली सुबह अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है, जहाँ कुछ देर चलने के बाद उसे एक भेड़ियों का झुंड नजर आता है, जिनमें से उसे अल्फा भी दिखाई देता है। वो काफी खुश होता है और अपने दोस्त की ओर भागने लगता है, लेकिन जब भागते वक्त वहाँ की बर्फ टूट जाती है, जिस वजह से केड़ा नीचे पानी में गिर जाता है, तो तभी अल्फा भी उसे देख लेता है और उसे बचाने के लिए उसकी ओर आता है। वो बर्फ को तोड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो बर्फ को नहीं तोड़ पाता, लेकिन केड़ा के पास एक हथियार होता है, जिसके जरिए वो उस बर्फ को तोड़ देता है और फिर वो अल्फा की मदद से बाहर आता है। अब ठंड से बचने के लिए वो अपने सारे कपड़े उतार देता है और आग लगा कर वो अल्फा के साथ वहीं पर ही सो जाता है। और फिर अगली सुबह वो अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो बर्फ से जमकर मर गया रहता है। केड़ा उसके पास से तीर कमान ले लेता है और आगे बढ़ जाता है, जहाँ उनका सामना बर्फीली तूफान और लकड़बग्गों से होता है। वो दोनों बचने के लिए एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना एक शेर से होता है। वो शेर केड़ा के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन अल्फा बीच में आ जाता है और उसके साथ काफी संघर्ष करता है और केड़ा अपने तीर से उस शेर को मार देता है, लेकिन इस लड़ाई में अल्फा काफी घायल हो जाता है। तो अल्फा की अपनी प्रति वफादारी देख वो उसका काफी ख्याल रखता है और उसे अपने साथ पूरी जिंदगी रखने का वादा करता है। अब अगली सुबह वो अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं, जहाँ आगे उन्हें अपने पूर्वजों की स्मारक दिखाई देती है, जिससे केड़ा समझ जाता है कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। वो बर्फीली तूफानों से आगे जाने लगते हैं, लेकिन इस भयानक मौसम में अल्फा की हिम्मत जवाब दे देती है, तो केड़ा उसे अपने बगल में उठाकर आगे चल देता है। अब तूफान काफी बढ़ चुका था और केड़ा भूखा प्यासा आगे बढ़ रहा था, जिस वजह से केड़ा के भी हिम्मत जवाब दे देती है और वो अल्फा को नीचे रख कर वहीं पर ही सो जाता है। अब उसे उसके माता पिता के सपने आने लगते हैं, जिस वजह से वो हिम्मत कर उठ जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर अल्फा को अपने साथ लेकर एक बार फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है, जहाँ कुछ देर आगे चलकर उसे उसका कबीला दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। वो जल्दी से अपने कबीले पर आता है, जहाँ ताऊ अपने बेटे को जिंदा देखकर काफी खुश होता है। केड़ा अपने पिता से पूछता है कि क्या उसने साबित कर दिखाया, जिसे सुनकर ताऊ रोने लगता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। केड़ा अपने पिता से कहता है कि वो अल्फा को भी बचा ले। अब कबीले के लोग उन दोनों का इलाज करने लगते है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अल्फा एक मादा है जिसने अभी बच्चों को जन्म दिया है। यहाँ पर केड़ा काफी हैरान होता है, क्योंकि वो अल्फा को अभी तक नरी समझता आ रहा था। अब यहाँ पर केड़ा की नजरों में अल्फा के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कुछ दिनों बाद वो दोनों साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पर अल्फा के बच्चे भी खेल रहे होते हैं। ये एक नए दौर की शुरुआत होती है, जहाँ पर इंसानों ने जानवरों के साथ दोस्ती करना शुरू कर दी है और अंत में हमें दिखाया जाता है कि इंसान और भेड़िए दोनों मिलकर शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।